बड़े टोटल में एक बड़ी इनिंग में। इस बार बेहतरीन शॉट कवर्स की दिशा में, फील्डर सिर्फ भागता ही रह जाएगा वहां पे। एक बेहतरीन शॉट है, हल्का सा रिस्क बट बहुत ही लंबा रिस्क। चलिए बेहतरीन शॉट, चतुर्थी गेंद और उसको सामने मारा है डाउन द ग्राउंड। खराब गेंद, सही पसी आती है, सही डायरेक्शन में शॉट, बड़ा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है। ओहो, क्या ही बेहतरीन तरीके से जो है बचाया वहां पे छक्का। हेलो, वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट करियर मोड के एक और नए एपिसोड में। फाइनली जो है यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को मिल चुकी है कैप्टनशिप इंडियन टीम की, और यहाँ पे जो है इस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे कप्तानी। तो हम लोग जो टीम खिला रहे हैं वो खिला रहे हैं केएल राहुल, शुभमन गिल, उसका श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत एंड धोनी। देन उसके बाद हमारे पास स्पिनर मौजूद रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, युजवीर चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। तो यहाँ पे जो मैच होने वाला वो होने वाला प्रेमदास स्टेडियम श्रीलंका में, और ये है दूसरा मैच इस सीरीज का। पहला मैच आसानी से जीत लिया था, वहाँ पे जो है माई की बैटिंग नहीं आई थी इसीलिए वो वाला पार्ट स्किप हो गया। इसके बाद अब ये सेकंड मैच, अगर ये वाला मैच हम जीतते हैं तो यहाँ पे सीरीज जो है इजीली जीत जाएंगे। और ये पहली बार जो है अब कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पे माही, और अच्छी अगर कप्तानी करते हैं यहाँ पे, लाइक सीरीज जिताते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर जो है परमानेंट कप्तानी मिल सकती है भारत की माही को। तो चलिए यहाँ पे जो है एक सिक्का उछाला गया है, ऑस्ट्रेलिया जीता टॉस और पहले करेंगे गेंदबाजी, और यहाँ पे कुछ अर्ली विकेट्स गिरे हैं और मुश्किल में परिस्थितियां भी भारत की। 75 रन पे 4 विकेट, तो 75/4 हो चुकी है भारत और मुश्किल में है अभी परिस्थितियां। रन्स बनाने हैं 12 ओवर में 4 विकेट, थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ, अब वो देखना होगा बाद में एनालिसिस करेंगे हम लोग कि क्यों हुआ कोलैप्स, कैसे हुआ। लेकिन एक बार मैं स्कोर कार्ड आपको दिखा देता हूँ कि एक्जैक्टली हुआ क्या। शुभमन गिल 8 रन पे आउट, केएल राहुल 9 रन, श्रेयस अय्यर अभी भी मौजूद, सूर्य कुमार यादव 10 रन एंड ऋषभ पंत 23 रन। तो चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, बाद में एनालिस करेंगे और देखेंगे जो फॉर्म में नहीं है उनको फिर बाहर जो है बैठाना पड़ेगा, उसके बाद जो इन फॉर्म बल्लेबाज उनको जो है हम प्लेइंग 11 में अपने लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो है धकेला है माही ने पहला रन के लिए कवर्स की दिशा में, एक रन के साथ जो है खाता खोलेंगे यहाँ पे। श्रेयस अय्यर के साथ जो है मिलके अपने को करनी पड़ी एक लंबी पार्टनरशिप अगर ये वाला मैच जो है आराम से जिताना चाहती है भारत को। हल्का शॉर्ट गेंद, उसको पुल कर दिया फाइनल की तरफ, एक रन मिल जाएगा, थोड़ा सा संभली हुई शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि 13 ओवरों में जो है 4 विकेट गिर चुके हैं, रन मात्र 77 है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप बनी नहीं है, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है एज अ कैप्टन एंड एज अ जो है फिनिशर कि अब जो है अपने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने कंधों पे, और रन के साथ साथ वो जो है विकेट्स का ब्लॉक करना होगा, जो विकेट्स गिर रहे हैं वहां पे एक साइड से उसको ब्लॉक करना होगा यहाँ पे माही को। सो लेट्स गो, यहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई, यहाँ पे बढ़िया शॉट है, पुल फाइन लेग का पूरा प्रयास और रोका भी है शायद 3 रन, लेकिन आसानी से मिल जाएंगे और वहां पे पहुंच भी जाएंगे जो है श्रेयस अय्यर भी और माही भी। इजी 3 रन स्ट्राइक रखे अपने साथ माही अपने पास, 81 रन 14 ओवर के बाद 4 नुकसान पर भारत, और ये चल रहा है 15th ओवर, बहुत लंबा सफर क्योंकि ये वनडे हो बेसिकली, दैट्स व्हाई। चलिए इस बार बेहतरीन शॉट, थोड़ा सा हावर ना हो उसको सही टाइम पे जो है भेजा वापस श्रेयस अय्यर को, अदरवाइज दुर्घटना होने में कोई भी ज्यादा देरी होती नहीं, डायरेक्ट हिट और काम तमाम हो सकता था श्रेयस अय्यर का या फिर जो है धोनी का। ये अच्छा शॉट है पॉइंट के बगल से, तंदना था शॉट, कोई हवा नहीं लगी था पॉइंट के फील्डर को, 4 रन। ऊपर थी गेंद, उसको सिर्फ दिशा दिखाई, यहां पे बल्ले का फेस खोला और इतनी रफ्तार से कैरी करी कि पॉइंट का फील्डर
सिर्फ वहां पे खड़े खड़े दर्शक बना रह गया। तो 7 गेंदें 9 रन, एक बेहतरीन चौका आया है। ये अच्छी गेंद है, कैमरा ग्रीन, हल्का सा लेंथ बॉल, चकमा दे तो इस बार बीट कर रहा है इस बार, लेकिन लेंथ गेंद पर माही को। हल्का सा और समय बिताएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करना है अभी। यही बल्लेबाजी अगर अभी 30 ओवर या 35 ओवर के बाद आई होती तो रोल वहां पे डिफरेंट होता, लेकिन अब बल्लेबाजी बहुत ज्यादा अर्ली आई है यहाँ पे। 4 विकेट ऑलरेडी खपा चुकी है भारत, 5 और 6 क्रीज पे मौजूद। तो जिम्मेदारी बनती है इन दोनों बल्लेबाजों की, मिनिमम 30 से 40 ओवर तक खेलें और 30 से 40 ओवर तक एक पार्टनरशिप, बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करें और कोई भी विकेट्स ना गिरे वहां पे, तभी जो है एक बड़े स्कोर बन सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम है सामने, 300 साढ़े 300 रन आराम से चेस कर सकती है टीम। शॉट एक बार फिर से डीप में, एक फोल्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। यहाँ पे 87, 4 नुकसान पे भारत, 16 ओवर फिक्र है। जॉस हेजलवुड 5 ओवर और डाल चुके हैं, लंबा स्पेल करवा रहे हैं यहाँ पे जो है कप्तान। इजी चीकी सिंगर यहाँ पे चुरा लिया। श्रेयस अय्यर यहाँ पे जो है इनको स्टार्ट मिल चुका है ऑलरेडी, 25 रन पे खेल रहा है 37 गेंदों में। अब जो है स्टार्ट को इनको कन्वर्ट करना होगा एक बड़े टोटल में, एक बड़ी इनिंग में। इस बार बेहतरीन शॉट कवर्स की दिशा में, फील्डर सिर्फ भागता ही रह जाएगा वहां पे। ओवर पिच थी गेंद और उसको दिशा दिखाई है बल्ले से, डायरेक्शन दी है वहां पे, इजी मिल जाएगा वहां पे 4 रन। तो दूसरा चौका इस इनिंग का आता हुआ, अच्छे टच में, अच्छे फॉर्म में है, बिकॉज यही फॉर्म जो है दिखाया है माही ने टेस्ट मैच में भी, और वही फॉर्म को जो है कंटिन्यू करते हुए वनडे क्रिकेट में भी। इस बार अच्छी गेंद, हल्का डाउन साउथ ऑफ स्टंप, वो बल्ले से दूर रखने का प्रयास है। जोस हेजलवुड लेंथ बॉल अच्छा डालते हैं यहाँ पे, डैक को बेहतरीन तरीके से जो हिट करते हैं। चलिए हल्का तो खेलना चाहते थे वहाँ पे थर्ड मैन की तरफ, बट उतना अच्छा संपर्क नहीं कि वो जो कैप में जाए गेंद, कैप में जाएगी तो फिर चौका मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड मैन यहाँ पे शॉर्ट है, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग भी ले रखा है वैसे तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने, लेकिन अच्छा शॉट है, डीप फील्डर मौजूद है, ऑफ स्क्वायर दिशा में, 1 रन मिल जाएगा। तो 16 ओवर के बाद 93 रन, 4 नुकसान पे भारत। अभी अभी हल्का सा मामला जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओ नहीं, शॉट बहुत अच्छा था लेकिन एकदम स्टंप पे जाके टकराई हो गई। शॉट में कोई खराबी नहीं, शॉट बहुत बेहतरीन, थोड़ा सा अगल बगल से निकलती तो एक बहुत ही क्लासिकल कवर स्ट्रेट ड्राइव जो है चौका मिलता वहां पे, बट वो हल्का सा किस्मत ने साथ नहीं दिया वहां पे, सीधा स्टंप से जाकर टकराई गेंद। एक और अच्छा शॉट पॉइंट के बगल से, 2 रन की मांग करी है, मिल सकते थे लेकिन रिस्की होता इसलिए मना किया वहां पे, क्योंकि श्रेयस अय्यर पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते, ये थोड़ा सा सवाल था। और हम नहीं चाहते कि अभी लाइक विकेट्स आए, बड़े शॉट इस बार श्रेयस अय्यर का, चिप कर दिया है पॉइंट के ऊपर से, हल्का सा थर्ड मैन की तरफ और शॉट थर्ड मैन उसके ऊपर से, पॉइंट और शॉट थर्ड मैन के ऊपर से बेहतरीन चौका। एक और पुल शॉट है, इस बार फिर से गैप में ऑन साइड की तरफ, एक और चौका, हल्का सा जो अपना गियर चेंज करते हैं यहाँ पे, जल्दबाजी नहीं कर रही, थोड़ा समझाना पड़ेगा यहाँ पे श्रेयस अय्यर को कि आप समय लीजिए, कप्तान धोनी आपके साथ हैं यहाँ पे, तो भड़बड़ाने और जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, रन्स इजीली आएंगे, बस आपको पेशेंस रखना है वहाँ पे। एक स्टार्ट मिला है आपको, उस स्टार्ट को बड़ी इनिंग में तब्दील करिए, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज बड़ी इनिंग खेलते हैं तो फिर मजबूत स्थिति में जाएगी भारत। 100 रन पूरे कर लिए यहाँ पे ऑलरेडी भारत ने, बट अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, 300 साढ़े 300 रन का लक्ष्य देखेगी भारत, जब तक धोनी मौजूद, जब तक जो है श्रेयस अय्यर मौजूद,
इसके बाद भी लाइक आने वाले बल्लेबाज हैं अभी रविंद्र जडेजा हैं, अनुकूल रॉय हैं। रविंद्र जडेजा थोड़ा सा मुझे ना रूल आउट हुए हैं, लेट मी चेक इसके बाद हमारा क्या बैटिंग ऑर्डर एग्जैक्टली आने वाला है। शायद जड्डू रूल आउट हुए मेरे हिसाब से। ओहो, बेहतरीन फील्डिंग पॉइंट, राइट साइड डाइव करते हुए वहां पे चौका बचाया निश्चित ही, तीन रन रुके अपनी टीम के लिए। हाँ, हार्दिक पांड्या इसके बाद, और उसके बाद अनुकूल रॉय, मतलब जड्डू को जो है चोट लगी है, तो अगले मैच में मैं फिर अक्षर पटेल को मौका देने वाला हूँ क्योंकि जड्डू यहाँ पे आउट हुआ है चोट होने की वजह से, तो हम जो है अक्षर पटेल को मौका दे सकते हैं। चलिए, अच्छा शॉट इस बार फाइनल की तरफ, एक रन मिल जाएगा आसानी से, हल्का सिंगल डबल के साथ जो है इनिंग बिल्ड करते हो यहाँ पे माही, और यही करना है अभी, यही वक्त की दरकार है। एक पार्टनरशिप हल्का सा बिल्ड हो रही है 20-25 रन की अभी, और यही पार्टनरशिप मिनिमम 150 या 200 रन की लग जाती है तो फिर मजा आ जाएगा। यहाँ पे हल्का सा दूर रह गया गेंद से, कैमरन ग्रीन चकमा दिया है, सीम को सीधा रखा इस बार, एक्सपेक्ट कर रहे थे माही अंदर की तरफ, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे शॉट, बट बहुत ज्यादा दूर रह गए वहां पे। इस बार फिर से वही लेंथ पे टारगेट करते हुए माही को कैमरन ग्रीन, ऑलरेडी एक शिकार फंसा लिया है उन्होंने 27 रन दे के, अच्छी गेंदबाजी करी है फिलहाल अभी तक तो कैमरन ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे जो है बेसबॉल स्टाइल शॉट, एक रन आसानी से मिल जाएगा, बैक फुट पे जाके वो हल्का सा दिशा दिखाई है, टेनिस काइंड ऑफ शॉट, सामने तरफ मारते यही शॉट तो चौका मिल सकता था, बट उतना पोजीशन में नहीं आ पाई क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद। पॉइंट के बगल से इस बार गेंद, और जो है पीछे मौजूद है फील्डर, दौड़ की मांग करी है, इजी मिल जाने चाहिए बिकॉज बढ़िया रनिंग विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, आसानी से जो है क्रीच में पहुंचेंगे दोनों के दोनों बल्लेबाज, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहां पे। पुल शॉट, शॉट गेंद अक्सर इस्तेमाल किया जाता है माही के खिलाफ, शॉट गेंद का कभी कभी फंसते हैं लेकिन अक्सर नहीं फंसते वहां पे, बड़े शॉट्स लगाते हैं, अभी नहीं लगा रहे, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। नेचुरल गेम बहुत डिफरेंट है माही का, जिस तरीके से आज खेल रहे नेचुरली बड़े बड़े हिट्स आते ही बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, बट आज हल्का सा नेचर के विपरीत खेलते हुए और भारत को एक मजबूत स्थिति पहुंचाते हुए बैलेंस में पहुंच चुके हैं। अब श्रेयस अय्यर, पार्टनरशिप पनप रही है दोनों के बीच में, बेहतरीन कट शॉट निकाला है, बढ़िया फील्डिंग वहां पे दोबारा से, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त, डाइव लगा लगा के वहां पे जो है रन्स बचाए हैं यहां पे ऑस्ट्रेलियंस फील्डर्स ने, अभी तक 8-10 रन रोक चुके हैं ये लोग फील्डिंग में। एक और बढ़िया फील्डिंग का नजारा, नहीं रन लेना चाहते थे, इंटरेस्टेड थे वहां पे अय्यर भी और माही भी, लेकिन देखा कि फील्डर के हाथ में गेंद है तो फिर उस रन को कैंसिल करा, और मेरे हिसाब से सही निर्णय यहां पे। यहाँ पे चलिए हल्का तो खेला है शॉट, बैकफुट पे जाके छिप करा है, ऑफ साइड की दिशा में एक रन मिल जाएगा, इस बार हल्का सा गैप में थी, अगर पॉइंट के आसपास रहती तो आराम से पकड़ लेता भाई डाइव मार के वो, इसीलिए थोड़ा सा और मिड विकेट की तरफ खेला है, हल्का सा अकाल पड़ा यहां पे जो है बाउंड्रीज का, बट जितनी काबिलियत है यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों की हम जानते हैं कि अभी भी गियर बदल सकते हैं, बट अभी गियर बदलने का समय नहीं है, एक बड़ी और डीप पार्टनरशिप ले जाने का समय है। यहां पे 122 रन, 4 नुकसान पे भारत 23 ओवर के बाद, 30 ओवर तक तो एटलीस्ट अटैक नहीं करना है दोनों ही बल्लेबाज को, उसके बाद फिर कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं दोनों ही बैट्समैन, या फिर एक बैट्समैन जो है स्लो खेल सकता है लाइक श्रेयस अय्यर यहां पे सेट, और माही जो है काउंटर कर सकते हैं यहां पे ये गेंदबाजों को, और गियर बदल के बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। यहां पे 28 रन 32 गेंदों में, और हल्का सा पुल मारा इस बार, गैप में है शॉट, फील्डर मौजूद है, मना करेंगे वहां पे माही, दो रन नहीं ले पाएंगे, एक ही रन, थोड़ा सा तेज
लगते तो शायद हो सकते दो रन वहां पे, लेकिन स्टार्टिंग में शायद लगा उनको कि चौका हो जाएगा वो, बट आउटफील्ड काफी ज्यादा स्लो जितना एक्सपेक्टेड था। फिर से गैप में है शॉट और फील्डर भी नहीं रोक पाएंगे, फाइन लेग भी नहीं और स्क्वायर लेग का भी नहीं, दोनों के बीच से बेहतरीन। ये देखिए शॉट, देखिए आप पोजीशन में गए, बैकफुट पे गए वहां पे और अपने आप का वेट ट्रांसफर करके पुल मारा है वहां पे, दोनों ही फील्डर के गैप में से। एक और शॉट है वहां पे, फील्डर है, दो रन मिल जाने चाहिए आसानी से, मना करेंगे वहां पे, सही कॉल, क्योंकि अगर आप दो रन लेना चाहते हैं तो शुरुआत से ही वो पहला रन थोड़ा सा तेज गति से भागी, अदरवाइज फिर वो मुश्किल हो जाती है। 25 में 138 तो लगा दिया भारत ने। एक बेहतरीन शॉट है, हल्का सा रिस्क बट बहुत ही लंबा रिस्क मैक्सिमम के साथ। कदमों पर दी गेंद, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उनका नेचुरल शॉट है यहां पे, लेग साइड मजबूत है माही की और मार दिया उसमें छक्का। कैमरन ग्रीन मैसिव हिट, चलिए इस बार जितना फिर से बैकफुट जाके बेहतरीन शॉट, कैप में एक और चौका, बड़ा बना सकते इस ओवर को, ऑलरेडी छक्का आ चुका है, चौका भी आ चुका है, एक और दो शॉट्स और ये ओवर काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है और बनाना भी चाहिए। जो अकाल पड़ा था थोड़ी सी रनों का वो फाइनली खत्म होता हुआ। ओह, इस बार ऑन साइड के ऊपर से बेहतरीन शॉट, इसी के साथ जो है 50 रन पूरे करेंगे। 31 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 2 छक्के 38 गेंदों में, एकदम से गियर चेंज करे वहां पे, जो स्ट्राइक रेट 100 के नीचे था अचानक से 131 का पहुंच गया। What a shot! सीधा stand and deposit. Wait there. इस बार जो है लेंथ को चेंज करते हुए, लाइन को चेंज करते हुए कैमरन ग्रीन लेग साइड की लाइन रख रहे थे वहां पे, ऑफ साइड पे वापस आए अपने, जो भटके थे वो दोबारा से मार्ग पे आ चुके। अभी लेग साइड पर डालेंगे आप तो इतना ज्यादा गैप मौजूद है। ओहो, अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, विकेट टेकिंग डिलीवरी इस बार, बल्ले के बहुत ज्यादा क्लोज, स्टंप के बहुत ज्यादा क्लोज। कट शॉट है, इस बार निकल जाएगा थर्ड मैन के साइड से, बेहतरीन चौका, तैयार थे आउट ऑफ द स्टंप बॉल के लिए माही, व्हाट अ शॉट, अपना वेट ट्रांसफर किया वहां पे, रूम दिया, विड दिया खुद को, ऑलरेडी जो आउट ऑफ स्टंप थी उसको और ज्यादा बाहर बनाया और स्लाइस कर दिया है शॉट थर्ड मैन के बगल से, 4 रन। तो वैगन व्हील यहां पे चारों तरफ, अभी डाउन द ग्राउंड नहीं मारा है सिर्फ, तो वो भी लाइक मार ही देंगे। 6 रन में पहुंच चुके हैं, अब एक और विकेट जाता हुआ श्रेयस अय्यर का और अब नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। इजी बॉय, इस बार सीधा जो है फील्डर के हाथ में मिड ऑफ, सत्ताईस ओवर हो चुके हैं यहां पे, 5 विकेट भारत की आधी टीम पवेलियन में। पांड्या और माही आखिरी उम्मीद, आखिरी बैटिंग पेयर भारत की तरफ से, तो डेप्थ तो है अभी भी भारत की बल्लेबाजी में, क्योंकि माही के बाद एक और बल्लेबाज जो है अनुकूल रॉय, उनका आना बाकी, उनकी जगह पे अक्षर पटेल को खिला सकते हैं, वो भी बल्लेबाजी करने में सक्षम, तो डेप्थ तो है, लेकिन एक रिकॉग्नाइजिंग जो बैटिंग पेयर है आखिरी वो यही है। अनुकूल रॉय बैटिंग कर लेते हैं बट डोमेस्टिक में उतना ज्यादा भी रन नहीं बनाए, रन बनाए उन्होंने नो डाउट बट उतने ज्यादा भी रन नहीं है कि वो कन्विंस कर सकें कि हाँ वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। चलिए इस बार बेहतरीन शॉट स्लाइस कर दिया है, थर्ड मैन एकदम डीप में था, उसका भरपूर फायदा उठाया इस बार, व्हाट अ शॉट, यहां पे 59 पहुंच चुके 45 गेंदों में। पांड्या का अभी तक जो है खाता नहीं खुला है, तो थोड़ा सा पांड्या को भी खिलवाते हैं क्योंकि
एक बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा यहाँ पे कैरी करना भारतीय टीम को 40-45 ओवर में और 300-350 रन लगाना। तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या का भी रोल इम्पोर्टेंट है। दूसरे एंड से अगर वो भी रन्स बनाएंगे तो उतना ही ईजी होगा माही को स्ट्रोक्स मेकिंग करना, क्योंकि फिर जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो दबाव वो आएगा नहीं माही के ऊपर। तो 30 ओवर की समाप्ति गाइस यहाँ पे 175 रन 5 विकेट नुकसान पे भारत। आराम से सिंगल डबल का खेल चलता हुआ अभी, और यही करना है अभी 10 ओवर कम से कम, क्योंकि अभी 20 ओवर का खेल और बाकी है। अंतिम 10 ओवर पावर प्ले ताबड़तोड़ रन आ सकते हैं। एक्स्ट्रा फील्डर बाहर रहता है उस टाइम, लेकिन तब भी बड़े शॉट्स लगाने में माही यहाँ पे सक्षम है। तो खड़े खड़े छक्के मार सकते हैं, पर उसके लिए जो है अंत तक रहना माही का बहुत ज्यादा जरूरी। और हार्दिक पांड्या का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल। ओ नहीं, गलत शॉट का चयन यहाँ पे, लॉफ्टेड हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, रेंज में नहीं बॉल। चलिए हल्का तो पुश करा है उसको, दो रन की मांग है ऑलरेडी, भागते ही दो रन बॉल दिए यहाँ पे माही ने, और पहुंच भी जाना चाहिए वहां पे पांड्या को। बढ़िया रनिंग विद द विकेट्स। चलिए बेहतरीन शॉट, कदमों पर थी गेंद और उसको सामने मारा डाउन द ग्राउंड, जहां पे आपको वैगन व्हील नहीं दिख रहा था अब वहां पर भी दिखेगा। एडन जेम्पा कुछ अलग करने का प्रयास और उसमें सफल नहीं हुए हैं, और माही ने लिया है उनको रिमांड के ऊपर। तो एक अच्छा ओवर जो घटित हो रहा था, एकदम से टेबल चेंजेस होती है यहां पे टेबल्स में, छक्के के साथ ही यहां पे दो रन की मांग करी है। दो रन बल्लेबाज तेज है, पहुंच भी जाएंगे। बढ़िया यहां पे अच्छा ओवर आता हो भारत के लिए, और 6.03 की रन रेट में पहुंच भी चुकी है भारत, मिनिमम 7.5। सात साढ़े सात तक लाना होगा कम से कम, तभी जो है एक चांस है, क्योंकि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप। स्लाइस करा है, फील्ड का प्रयास था, मिस कर बैठे वहां पे, हल्का सा मिस कैलकुलेटेड डाइव, पहले बॉल निकल गई उसके बाद डाइव मारा, अदरवाइज रुकना चाहिए था चौका रुक सकता था। खराब फील्डिंग थोड़ा सा, अक्सर अच्छी फील्डिंग देखी अभी तक हमने, लेकिन कुछ ओवरों से थोड़ा सा स्तर नीचे आया यहाँ पे फील्डिंग का। चलिए रिवर्स स्वीप है, इस बार अच्छी फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है, दो रन उसी की वजह से मिल भी जाएंगे। महीन सिंह धोनी स्ट्राइक, एडन जाम्पा स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं एडन जाम्पा, और विकेट लेने का ट्राई, बट सामने जो है माही सेट 77 रनों में 54 गेंदों में, बड़ी पारी की शायद लोड हो रही है यहां पे। इजी यहां पे प्रयास पूरा है, अच्छा प्रयास, चौका तो बचा लिया है, लेकिन 3 रन तब भी जो है चुरा लेंगे वहां पर माही। बढ़िया शुरुआत में शायद लग रहा था चौका होगा, उसी वजह से हल्का स्लो दौड़े स्टार्टिंग वाला, 4 रन भी शायद ले सकते थे वहां पर। बढ़िया शॉट है यहां पे जो है हार्दिक पांड्या का, चिप कराए वहां पे मिड ऑफ की साइड, लॉन्ग ऑफ पीछे मौजूद, यहां पे मिड ऑन भी मौजूद, और एक मिड ऑन ले रखा है, एक लॉन्ग ऑफ ले रखा है। ओ यार भागना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया। ओह यहाँ पे ओवर थ्रू का रन, वो भी 4 रन, पकड़ना चाहिए था फील्डर को मेरे हिसाब से, बट बाउंड्री रोप से बाहर पहले से ही फील्डर, तो ऑब्वियसली वहां पे 4 मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, पता नहीं हो क्या रहा, आई डोंट नो। मतलब क्लियरली वहां पे ओवर थ्रू का चौका हुआ था, क्योंकि फील्डर ने जो रोका था शॉट, अगर आप देखोगे जो थ्रो, वो बाउंड्री
स्टार्टिंग लाइन के बाहर रोका था, पता नहीं क्यों अपने को 5 रन नहीं दिया वहां पे, क्योंकि एक रन भागा था हमने और एक चौके का रन होना चाहिए था। बट ठीक है, फिलहाल 6.6 का रन रेट चल रहा है और देखना ही होगा कि भारत कितना टारगेट जो है सेट करती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओ यहाँ पे मिस स्पीड, एक और इजी मिल जाएगा, एक रन की बजाय 2 रन। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, सॉलिड डिफेंस माही का, तैयार हैं, लाइक कैलकुलेट कर रहे हैं किस बॉल पे मारना है, किस बॉल को छोड़ना है, वो पहले इससे ही प्री मेडिटेटेड जानते हैं, क्योंकि यहां पे फ्लाइट दे रहे हैं एडन, जहां पर ललचा रहे हैं बड़े शॉट्स लगाने के लिए, और आमंत्रण को जो है एक्सेप्ट करा है महेंद्र सिंह धोनी। कदमों का इस्तेमाल स्टेडियम के पार गेंद, स्टेप आउट करके एडन जांपा के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है महेंद्र सिंह धोनी। बहुत ही मैसिव और ह्यूज से आउट ऑफ द पार्क, वो फ्लाइटेड डिलीवरी लगातार डाल रहे थे उस ओवर में, 4 की 4 गेंदें फ्लाइटेड, और शायद उनको पता लग गया था कि वहीं पड़ने वाली है गेंद, इसी की वजह से यहां पे डाउन द ग्राउंड स्टेप आउट करके बेहतरीन छक्का, और यही ताकत है। 93 पहुंच चुके उस छक्के के बाद, और यहां पे 94 मात्र 6 रन दूर अपने शतक से, 63 गेंदें खेली है यहां पे और 94 रन, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी, और वो भी मुश्किल परिस्थितियों में, ये चीज लाइक ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को। इस बार अच्छा शॉट है, 2 रन इजीली मिल जाएंगे, फील्डर मौजूद, फील्ड भी करेंगे वहां पे 2 रन आसानी से, तो 96 एक चौका मात्र दूर अपने शतक से, उड़िया शतक से, ऐसा कप्तान फर्स्ट शतक, ओहो स्वाइक के साथ, छक्के के साथ यहां पे जो है शतक को पूरा करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। रोर दिखता हुआ यहां पे सेलिब्रेशन में, 102 रन, मुश्किल परिस्थिति में थी भारत, कप्तान चिप इन करते हुए, एक और बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लबूश ने, एज अ पार्ट टाइम गेंदबाज आए थे और शायद करियर इनका पार्ट टाइम हो जाएगा अगर इस तरीके से शॉट और लगा दिए थी चारवाही ने तो। What a back to x-axis. 66 gain, 80, 108 run. Waiting. अलग लेवल की तोड़ाई, और वो भी कैलकुलेशन के साथ। दूसरी छोर पे पांड्या जस्ट सेट हो रहे हैं वहां। चलिए हल्का उसे खेला है शॉट, 2 रन की मांग है, मिल जाने चाहिए, तेज अक्सर दौड़ते हैं माही, फुल फ्लैश ड्राइव लगाने की पहुंच जाएंगे। फिर से अलगाव शिकला शॉट, डीप में फील्डर मौजूद है, 2 रन की मांग फिर से करी है क्योंकि काफी ज्यादा स्लो ट्रैवल करती है, ये रणनीति रहती है अक्सर माही की और कोहली की भी। मैंने अक्सर 2 बल्लेबाजों में रणनीति देखी कि हल्के हाथों से जो है शॉट्स को खेलते हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इनको एक्स्ट्रा रन भागने का, स्लो ट्रैवल करती है वहां फील्डर के पास गेंद, और उसका जो है भरपूर फायदा उठाते दोनों ही बल्लेबाज। बढ़िया फील्डिंग वहां पे पॉइंट की, शॉट में कोई खराबी नहीं, हल्का सा विड्थ दी, ज्यादा विड्थ होती तो फिर वो चौका मिल सकता था, लेकिन हल्का सा विड्थ और सीधा पॉइंट के हाथ पे। चलिए फिर से जो हल्का सा खेला है शॉट फाइन लेग की तरफ, काफी ज्यादा फाइन है, स्क्वायर लेग का फील्डर भी इंटरेस्टेड लेकिन पहुंच नहीं पाएगा, शॉट फाइन लेग के बगल से बेहतरीन चौका, लेग साइड पर अगर आप डालेंगे जब आपका प्रोडक्शन नहीं है तो आपको मुश्किल ऑब्वियसली होने वाली है।
चलिए फिर से ऑल साइड तरफ हल्का सा शॉट, धीरे ट्रेवल कर रही है गेंद, लेकिन फीटर्स पास जो है आगे आके पकड़ लिया उनने, उनको पता है कि काफी टाइम से ये चीज चल रही है। तो यहाँ पे एक और विकेट गिर गया हार्दिक पांड्या का, और अब जो है टेल आ चुकी है माही के साथ। अब देखना किस तरीके से जो है फिनिश करते हैं माही इस मैच को। अभी भी 12 ओवर हैं भारत की इस पारी में, 240 रन ऑलरेडी लगा चुके। नहीं, हाँ ना वहां पे कंफ्यूजन थोड़ा सा, बट अच्छी बात ये कोई भी दुर्घटना नहीं। एक सेट बैट्समैन का होना बहुत जरूरी है अंत तक। इजी बॉल, इतना बढ़िया शॉट है, फुल ऑन लेंथ बॉल, और बल्ले का फेस खोल के उसको भेज दिया है पॉइंट के बगल से चार रन, परफेक्ट गैप में गली को हल्का सा ऊपर खींचा और वहां पे काफी ज्यादा बड़ा गैप बना, जिसका इस्तेमाल करके सीधा चौका। इजी बॉय, आराम से एक रन। थोड़ा सा भी और बुमराह पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन हैं हल्के फुलके बुमराह, तो बल्लेबाजी थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो भी। अब यही देखना है किस टेम्परामेंट से तो बल्लेबाजी करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ट्राई उन्हें वही करना चाहिए कि माही को स्ट्राइक दे। यहाँ पर क्या अलग ही टच, अलग फॉर्म में खेल रहा है वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी। शॉट अच्छा है, लेकिन दो ही रन मिलेंगे वहाँ पे। तो उसी के साथ 248 रन, 7 रन नुकसान पे भारत 39th ओवर के बाद, लास्ट ओवर। लास्ट की अब 10 ओवर, यहां पे पैट कमिंस आ चुके हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, शायद वाइड देनी चाहिए थी, ऑन द लाइन मुझे लग रही थी, लेकिन यहां पे वाइड दी नहीं अंपायर ने। कटर्स का इस्तेमाल, उंगलियां फेरी है वहां पे, वाइड ऑब्वियसली मिलेगी, लेकिन खुश होंगे वहां पे पैट कमिंस ये मूवमेंट देख के, उंगलियां फेरी। अब अंतिम ओवरों में कैसे फिनिश कर सकती है भारत, ये पूरा का पूरा निर्भर माही के ऊपर। अच्छी गेंद, इस बार फिर से हल्का सा स्ट्रगल करते हुए, 5 फीटर ऑब्वियसली दायरे के बाहर, अब कैचिंग पोजिशन पर आप लगा सकते हैं, रन गति को और रोक सकते हैं, बट माही अगर मौजूद है तो फिर कुछ भी आसान होने नहीं वाला आपके लिए। और इस बार अच्छा शॉट है, बहुत हल्के हाथ उसे खेला है, 2 रन की मांग है, लेकिन मना करेंगे वहां पे माही। माही शो शुरू अभी हो सकता है, लाइक अभी शो, माही शो ही चल रहा है 125 रन, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भी और रन चाहिए उनसे अपने को। 125 में संतुष्टि नहीं होने वाली, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऑन द राइज खेलना चाहते थे शॉट अक्रॉस बैट से, लेकिन बीट करा वहां पे पैट कमिंस ने। अच्छा ओवर जाता हो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए, मात्र 3 ही रन आए, 1 रन वो भी वाइड का। तो निराश नहीं हो गया पैट कमिंस, खुश होंगे कि मात्र 4 ही रन दिए अभी तक, और शायद ओवर की समाप्ति होती हुई। इसी के साथ 41 ओवर की समाप्ति, 257 7 नुकसान पे भारत। हैज योर स्ट्राइक, शॉट अच्छा है, हल्का तो खेला, फिर से दूर की मांग है, मिल जाने चाहिए। अगर आपके शॉट्स नहीं आ रहे तो आप यही काम करिए, तब तक सिंगल डबल्स बहुत ज्यादा जरूरी, टारगेट सेट करना है यहाँ पे। भारत चाहेगी मोमेंटम लेके जाना, वो मोमेंटम जो स्टैंडिंग लाइव बेहतरीन शॉट, फिर से स्लाइस कर दिया है, हल्का सा विड्थ दिया, रूम दिया, और थोड़ा सफल करके और एक्स्ट्रा रूम दिया अपने आप को, उसकी वजह से मौका मिला और अपने आप को कर दिया वहां पे स्लाइस, बेहतरीन शॉट, 4 रन, शॉट थर्ड बन गए और पॉइंट के बगल से। ये देखिए इस बार रिवर्स स्वीप निकाला है पिटारे से, उतना ज्यादा उसमें टाइमिंग मौजूद है नहीं, 2 रन लेकिन आसानी से मिल जाएंगे। तो अभी 159 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके, 6 छक्के, क्या ही इनिंग खेली आज, 84 गेंदें, 134 रन।
वॉर्नॉक। यह अच्छा शॉट है, फाइनल की तरफ फ्लिक कर दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है नहीं, गैप में है शॉट, पर उतना ज्यादा टाइमिंग नहीं, तीन रन आसानी से मिल जाएंगे। कीपर की तरफ फेंका है, गलत हैंड पे थ्रो, इजिली थ्री रन्स, काफी ज्यादा रनिंग उल्टी द विकेट से यहां पे बाहीं की तरफ से। ओ अच्छी गेंद है, हल्का सा अंदर की तरफ सीम, पड़ने के बाद बीट करा, चकमा दिया इस बार। इस बार सर के ऊपर से मिल जाएगा चौका भाई का, इजी रन्स। पैट कमिंस हाइट है इनके पास, इसीलिए वो जो है बाउंसर डालते हुए, बट एक्स्ट्रा बाउंस मौजूद तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है यहाँ पे कमिंस के लिए। एक रन आसानी चुरा लेंगे यहाँ पे, पॉइंट के हाथ में गेंद, एक रन इजीली। स्कैडी आ चुके यहाँ पे गेंदबाजी के लिए, ऑलरेडी इन्होंने जो है एक विकेट लिया है 8 ओवरों में, 9 ओवर डालते हुए शायद पूरा का पूरा स्पेल खत्म करवाना चाहते हैं यहाँ पे रोहित शर्मा इनका, जानते हैं कि अंत में उनके पास अच्छे गेंदबाज मौजूद, तो यहाँ पे अभी हल्का सा स्लो चल रही है रिंग, उसी बीच ओवर्स निकलवाना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग में कप्तान। और इस बार जो है सामने तरफ ढकेला है, इजी शॉट है, बहुत स्लो हाथों से दो रन चुराए हैं, आर्ट ऑफ देखिए माही की दो रन चुराने की, यही शॉट अगर तेज मारते आराम से बस एक ही रन मिलता, बट वही स्लो खेला है तो बहुत ही सही तरीके से दो रन दौड़ लिए वहां पर, एक को डबल में कन्वर्ट कर दिया। शॉट अच्छा है, कैच की मांग है, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन दर्शक बने रहेंगे, ऑन साइड तरफ से हेलीकॉप्टर शॉट, यहां पे यॉर्कर लेंथ बॉल, क्या ही घुमाया है इस बार, ये देखिए पोजीशन में आए वहां पे और सही से एक्सिक्यूट करा है उस शॉट को, 147 मात्र तीन रन दूर अपने 150 से, एक अच्छा मौका वहां पे जो है 200 रन बनाने का, बना सकते 200 रन माही, 149 रन मात्र एक रन दूर, इस गेंद पर शायद सिंगल लेके वो 150 रन पूरे। जी हाँ, इसी के साथ एक 150 रन पूरे यहाँ पे धोनी के 92 गेंदों में, व्हाट अ नॉक, 11 चौके 7 छक्के 161 का स्ट्राइक रेट, क्या ही शॉट्स लगाए हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया शॉट सिलेक्शन। और अभी एडन जैम्पा को जो है दोबारा लगाया गया है, इजी ओवर्स निकल रहे हैं यहां पे, 44 ओवर हो चुके हैं, मात्र 6 ओवर और बचे उसके बाद, अरे पूरी कोशिश है माही कि ज्यादा से ज्यादा रन्स जोड़े जाए भारतीय टीम के लिए, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं थोड़ा सा, पर उतना ज्यादा नहीं क्योंकि चाहते हैं कि पूरे ओवर्स भी खेल के जाए हमें भारत। शॉट अच्छा है, गैप में है, टाइम हुआ नहीं था, एक टाइम के लिए लगा शायद फंस सकते हैं, बट गैप में शॉट तो इजीली मिल जाएगा चौका। ये देखिए खराब गेंद, तो सही नसीहत दी है, सही डायरेक्शन में शॉट, एक 155 रन 96 गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, फुल लेंथ बॉल, एडन जैम्पा सामने तरफ मारा था, डाउन द ग्राउंड ऑन द पोजीशन में आया, वहां पे खड़े खड़े अपनी जगह से, कोई स्टेप आउट नहीं,
बिकॉज ऊपर दी गई तो जरूरत नहीं थी वहां पे स्टेप आउट करके, इतना ज्यादा टर्न भी मौजूद नहीं इस पिच के ऊपर कि जाके स्टेप आउट करा जाए। खड़े खड़े छक्का, पैट कमिंस को लगाया गया अटैक में यहां पे दोबारा से। तीन विकेट लिए यहां पे पैट कमिंस ने, दो ओवर और मौजूद इनके। कट शॉट है, इजी एक रन। तो अब 300 का तो आंकड़ा पार कर लिया भारत ने, 316। अब फिनिश कितने पे करती है वो देखना जरूरी। मात्र तीन ओवर का यहां पे खेल बाकी। नहीं, पिचिंग आउट ऑफ द लेग मेरे हिसाब से, हल्का सा नीचे रही गई, एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई कि थोड़ा सा ऊपर आएगी। वहां पे पुल शॉट लगाने का प्रयास, रिव्यू लिया है, मामला क्लोज है मेरे हिसाब से भी। लेट्स सी, देखना होगा। इंपैक्ट कहां पे है वो देखना जरूरी। कदमों का इस्तेमाल, इंपैक्ट आउट ऑफ द लेग, जी हाँ बच गए वहां पे मेरे हिसाब से तो बच गए। अभी बाकी देखते हैं मीटर क्या दिखाता है, क्योंकि मुझे इंपैक्ट साफ साफ आउटसाइड लेग लग रहा है, बिल्कुल आउटसाइड लेग यहां पे इंपैक्ट, और शायद मीटर भी वही दर्शाएगा। अभी सोच खराब नहीं, बट उतना ज्यादा ऊपर आई नहीं गेंद, काइंड ऑफ बाउंसर तरीके से खेल गए वहां पे माही, बट स्पिनर गेंद नीचे रहेगी। पिचिंग आउटसाइड लेग, यहीं पे काम तमाम हो गया, इंपैक्ट भी आउटसाइड लेग और मिसिंग भी, तो रिव्यू जो वेस्ट करती हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम, खराब निर्णय, खराब रिव्यू। बट धोनी का विकेट था शायद, इसीलिए वो कन्विंस करा। बड़ा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है, ओह क्या ही बेहतरीन तरीके से जो है बचाया वहां पे छक्का। शॉट बहुत बेहतरीन, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। 6 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, 2 रन मात्र उस गेंद पर। चलिए शॉट अच्छा है, घसीटा है इसको इस बार गैप में, 4 रन। माही मौजूद तो कोई भी टोटल यहां पे सिक्योर नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए, कुछ भी फाइनल नहीं कितना स्कोर बन सकता है भारत का। 330 रन, 20-30 रन और आ गए तो यहां पे 450 रन भी बन सकते हैं। चलिए स्वीप मारना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं है, हल्का तो खेला शॉट, 2 रन इजिली मिल जाएंगे, और एक अच्छी पार्टनरशिप होती है वहां पे जसप्रीत बुमराह और धोनी के बीच में। 170 रन में पहुंच चुके हैं, 30 रन और चाहिए इनको अपने दौरे शतक के लिए। शॉट अच्छा है, कैच इट की मांग है, शायद पकड़े जाएंगे इस बार। समय की दरकार थी बड़े शॉट्स लगाना, क्योंकि चाहते थे वहां पे और एक्स्ट्रा रन्स भारत को देना, बट वहां पे फ्लाइट डिलीवरी, गति दी नहीं उस गेंद पर, और इसीलिए डिस्टेंस प्राप्त नहीं कर पाए माही। लेकिन अच्छी पारी यहां पे, अच्छी पारी का अंत होता हुआ, 170 रन 103 गेंदों में, 165 का स्ट्राइक रेट, 13 चौके 8 छक्के, क्या ही बेहतरीन नॉक खेली है, कप्तानी पारी, व्हाट अ नॉक। अब देखना ये मैच जीतती है भारत या नहीं। ओ माय गॉड, मैच टाई हो गया गाइस यहां पे, और प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं लबूश ने, 164 रन लगाए लबूश ने। मैच यहाँ पे टाई हो गया है, 347 बनाए थे इंडिया ने और 347 ही बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑलराइट गाइस, आज का एपिसोड जो हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, कोई रिजल्ट आया नहीं वहां पे, मैच हो गया टाई। अब जो लास्ट मैच है ये हो जाएगा बेसिकली डिसाइडर काइंड ऑफ, अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतती है तो सीरीज टाई हो जाएगी, क्योंकि एक मैच भारत जीतेगा, एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और एक मैच टाई है। अगर भारत ये मैच जीतता है तो सीरीज भारत जीत जाएगा। तो अब ये मैच भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीरीज जीत नहीं सकते लेकिन टाई करा सकते हैं एटलीस्ट सीरीज को। तो होपफुली ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया, अगर ये वाला एपिसोड आपको पसंद है उसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को तो प्रेस करिए। मिलते हैं गाइस जो है आपसे अगले एपिसोड में, तब तो जो है ख्याल रखिए अपना एंड गुड बाय।